सर, धर्मपुर गांव में कुछ विवाद की खबरें आई हैं, क्या कुछ मामला है और किस तरह का समय माहौल है? हमें अराउंड 8:30-9 के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गांव धनवापुर में दो पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो मौके पे टीम पहुंची हमारी, राजेंद्र पा की टीम पहुंची और सीआई की टीम पहुंची। पता लगा कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, पथराव भी हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और हम फ्यूचर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किन दो पक्षों के बीच में, और क्या इसके पीछे प्रारंभिक जांच में कुछ सामने आया कि क्या कारण था? कारण तो अभी इनकी फैमिली डिस्प्यूट है, कुरंजित शर्द भी आपस में, ये यहाँ तनबापुर के लोकल फैमिलीज ही हैं जिनमें ये डिस्प्यूट हुआ है। जो पार्षद और एक उसके भाई की, जो कि सुनील तोता का भी नाम आ रहा है, क्या उनके ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक? जी, जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि नवीन पार्षद है यहाँ के और उनका भाई सुनील है उर्फ तोता, उनकी इन्वॉल्वमेंट पे भी शक है हमें। कितने खून पुलिस ने बरामद किए हैं सर? कितने अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसके बारे में अभी बता नहीं सकता। लोग आए हैं सर? अभी तो कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 लोगों को भी एडमिट किए हैं हमने घायल, बाकियों की एमएलसी कटवा रहे कितने हैं। लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है सर पुलिस को? तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हम देखते सर कुछ हैं क्या। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है, लगभग कितनी गाड़ियां इसमें जी, डैमेज हो गए हैं? अराउंड 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, कुछ गाड़ियों में शीशे वगैरह टूटे हैं, कुछ में थोड़ी हैवी डैमेज हुई है। मामला फिलहाल कंट्रोल में है? हाँ जी, मामला फिलहाल कंट्रोल में, शांति बनी हुई है, हमने पुलिस को पूरे गांव में डिप्यूट कर रखी है। नाम बताइए अपना। मेरे जी नाम है रमेश दैया। दैया साहब, आज क्या घटना है हुई सर? मैं इस कॉलोनी में था अपने ऑफिस पे, कि किसी कॉलोनी वाले मेरे पास फोन आया, बोला भाई आपके भाई के हाथ पैर तोड़ दिए दिनेश दैया के, और गांव के ये आदमी थे, ये जिसने तोता का है वो गैंगस्टर, इसका भाई नवीन दैया और ये पौआ सबसे मेन है, और एक बूढ़ी है जिसका मनीष नाम है, और ये लंबू, और एक सन्नी डोगरा जिसने बोला जी, और ना जीतू जीतू, और जी वैसे तो मैं खड़े के नाम से नहीं, शक्ल से पहचानता हूँ। पूरी गैंग थी 40-50 आदमी की। वहां से फिर हमें जैसे पहुंचा तो बोला आपका भाई तो हॉस्पिटल जा लिया, तो यहाँ आया तो भाई का फोन आया, बोला घर पे वारदात कर दी, इन्होंने गोली चला रखी है। मैं बोला भाई अपने देख के थोड़ा साइड में हो जाओ, एक कहते जी बुरा हाल कर रखा है, यहाँ भी देखो गाड़ी का हाल करके। कितने बजे घटना जब वहां पे झगड़ा हुआ था साहब? टाइम में उस टाइम 8 बड़ा आठ मैंने टाइम नहीं देखा जी, 8 बजे के आसपास। हाँ, मैंने टाइम नहीं ध्यान दिया, क्यों भाई के छोड़ फिर घर के घर में घर पे आया तो घर पे देखा था जी, इन्होंने फायरिंग कर रखी है जी, बढ़िया बुरा हाल कर रखा जी हमारा। कुछ यहाँ भी कोई घायल हुए? हाँ यहाँ जी कई चोट लगी, हमारी चाची के चोट लगी है, भाइयों का भतीजा का चोट लगी जी, काफी चोट लगी। कारण क्या था, किस वजह से? सर कोई कारण नहीं, ये बदमाश है, पूरा गांव इनसे दुखी है, किसी को काम काम करने नहीं देते, घर से निकलने नहीं देते, जब देख के गाड़ी अड़ा देते हैं, बदमाशी दिखा रहे हैं, धमकी दिला रहे हैं, हर टाइम धमकी भी धमकी दे रहे जी लगातार। इससे पहले है यहाँ पे? इससे पहले जी कई दफे इनके रिपोर्ट की, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी, वीडियो भी हमारे पास, चौकियों में जाते हैं इनके चढ़ावा चले जाता है, भाई प्रशासन के दाब देता है, भाई मेरी चौधर मैं यहाँ का पार्षद हूँ, मेरी ये चलेगी वो चलेगी जी, हम तो दुखी हो रही है, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखते लोग वहाँ की। कुल कितनी गाड़ी ऐसी यहाँ पे डैमेज की हुई है? देखो जी सारी गाड़ियाँ, इससे आगे 4-5 गाड़ियाँ डैमेज है। जेसीबी से भी हम लगे हैं? जेसीबी से नहीं, इधर से घर से गिरा जी वारदात, इधर के यहाँ इधर से नहीं, इधर से ईटे फेंकी गई है इसमें। हिमांशु क्या हुआ था जब यहाँ पे आप थे? सर मैं आगे से आ रहा था जी, आगे से तातार थे मेरे, इन्होंने बीच में मेरे को रोका, गाली गलौज किया मेरे साथ, लपटम झपटम हुई, चाचों का सर इन्होंने डंडों से मारा, ईट पत्थर मारे इनके ऊपर सर, फिर इन्होंने फायरिंग चालू कर दी सर। फायर सर फायर कम से कम 40 से 50 फायर हुए सर। कितने लोग थे सर? ये लोग थे 15 से 20 लोग। तो आप लोगों ने बचाव की भी कोशिश की? जी बचाव की बिल्कुल कोशिश की थी। आपने भी अपने बचाव में कोई आपस में कोई पथराव वगैरह? जी पथराव वाला का बहुत किया था सर, फिर हम चले गए थे जी। अच्छा, अभी कौन कौन घायल है आपके परिवार से? जी फादर जी मेरे, चाचा जी घायल है, दादी जी का नगरी जी।